साफ कह रहा है मुख्यमंत्री का सुरक्षा व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं। पत्थरबाजी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाए हैं। कानून व्यवस्था माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। तो पत्थरबाजों को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अनूप हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उनसे सख्ती से निपटा जाए, सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। अनूप, देखिए बिल्कुल जिस तरह से आज जो है जुम्मे नमाज के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, और प्रयागराज हो या सहारनपुर हो या जो है हाथरस हो, मुरादाबाद हो, फिरोजाबाद हो, अम्बेडकर नगर हो, वहाँ पर जो है जो निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिसकर्मियों पर जो है हंगामा काटा गया, बवाल किया गया, जो आम पब्लिक थी वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान उठाती दिखाई दी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है काफ़ी सख्त नज़र जो है आए हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं अधिकारियों को कि ऐसे लोगों से, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए, गैंगस्टर सहित की जो है कार्रवाई सीधे तौर पर की जाए, और ये जितने भी बवाली हैं जो दंगाई हैं उनकी संपत्ति जो है वो जब्त करने की कार्रवाई जो है वो पुलिस करे, और जिसको लेकर के जो गंभीर धाराओं में मुकदमा जो है वो लगातार दर्ज किया गया है, और कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी की गई है। पूरे प्रदेश में जो ऐसे जिले हैं जहां पे हंगामा बवाल काटा गया है, 109 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं, और काफी लोग अब आइडेंटिफाई भी कर लिए गए हैं, और ये माना जा रहा है कि गिरफ्तारी जो है आगे और की जाएगी। लेकिन साफ तौर पे है कि सरकार की मंशा यही है कि प्रदेश में जो सौहार्द है, जो प्रेम है, वो लगातार कायम रहे। ऐसे में जो भी इस सौहार्द प्रेम को बिगाड़ता है, जो कानून व्यवस्था को हाथ मिलता है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और यही वजह है कि अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, और इन सभी के खिलाफ जो है गैंगस्टर कार्रवाई की जा रही है, और सभी की संपत्ति जो है जब्त करके इनकी संपत्ति से जो नुकसान इन्होंने किया है, सरकारी और निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, वो भरपाई जो है सरकार करेगी, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें करेंगी। बिल्कुल अनूप, और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है कहा जाए कि वो हो भी गई है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि 109 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो जो शुरुआत है कहा जाए कि कार्रवाई करने की, उसकी शुरुआत हो चुकी है, 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बवाल हुआ है देखा जाए, सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी जो जहाँ पर हुई है, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, प्रयागराज वहाँ से 15 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो आंकड़ा है अनूप, क्या ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जो है कहा जाए कि जाँच जो चल रही है और जो भी चेहरे सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। देखिए बिल्कुल जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद जो है जो भीड़ जो है सड़कों पे आई, वो बवाल जो है वो किया गया, हंगामा किया गया, वहाँ पे जो है आगजनी की गई, बम फोड़े गए, कट्टे लहराए गए, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, सरकारी गाड़ियों को बनाया गया निशाना, जो आम पब्लिक निकल रही थी उनकी गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई, तो उसके बाद जो है जो वीडियो फुटेज हैं उसी के आधार पे पुलिस ने जो है कई लोगों को चिन्हित किया है। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रात भर अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं, क्योंकि वीडियो के आधार पर माना जा रहा है कि अभी ये गिरफ्तारी जो है और बढ़ सकती है। सैकड़ों संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जो है मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है, कई आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी नामजद जो है वो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और ये जो 15 की जो संख्या अभी तक जो गिरफ्तारी की गई है ये संख्या लगातार बढ़ेगी, और जो बाकी जिले हैं वहाँ पर भी पुलिस अभी की काम कर रही है, लगातार ऑपरेशन जो चला रही है, और जो भी बवाली थे, जो दंगाई थे, उनके खिलाफ जो है लगातार जो है गिरफ्तारी दी जा रही है, दबिश दी जा रही है, तो संख्या बिल्कुल बढ़ेगी, आंकड़े बिल्कुल बढ़ेंगे गिरफ्तारी के। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे लोग खिलाफ सीधे मुख्यमंत्री का निर्देश है, शासन का निर्देश है कि गैंगस्टर से नीचे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो संपत्ति है, जो इनकी सरकार, जो इनके आवास हैं, इनके घर हैं, या तमाम जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाएगा, उसको कुर्क किया जाएगा, और इन्हीं संपत्तियों से जो इन्होंने नुकसान किया है उसकी भरपाई की जाएगी। बिल्कुल अनूप, तो जो संपत्ति का इन्होंने नुकसान किया है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन अनूप देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा सवाल ये कहीं ना कहीं उठ रहा है कि ये जो तमाम लोग प्रदर्शनकारी जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनके हाथों में वो देशी बम जो है वो कहाँ से आ गए, उनके पास जो तमाम कट्टे लहराते हुए भी दिखाई दिए हैं वो कट्टे कहाँ से आए, इसका मतलब ये है कि साजिश जो है वो पुरानी है और धीरे धीरे इसके जो पन्ने हैं वो खुलेंगे। जिस तरह से आपको याद होगा कानपुर में जो है वो कार्रवाई की गई थी, वहाँ पर जो पर्चे जो है बांटे गए थे, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया था, तो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर भी होगी, और तमाम जो साजिशें जो रची गई थी उसकी जांच में एक एक करके पन्ना खुलेगा, उसके बाद जो है कई लोग गिरफ्त में आएंगे।
बिल्कुल साफ हो जाता है कि जुम्मे नमाज के बाद जो है जो कॉल की गई, जिस तरह से सड़क पे जो है प्रदर्शनकारी पहुंचे, दंगाई पहुंचे और हंगामा काटा, बवाल काटा, और इस दौरान उनके हाथ में कट्टे थे, बम थे, तमाम हथियार जो है नजर आए, पत्थर जो है बड़ी संख्या में जो है इकट्ठा किए गए थे, यानी कहीं ना कहीं ये पहले से सुनियोजित था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी तह तक जो है सरकार को जाना होगा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को जाना होगा कि आखिर इस भीड़ के पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम दिला रहे हैं। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जो कार्रवाई है वो लगातार